दो ग्लास तीखा पानी। इंडियन रेस्टोरेंट भी है बट वो वन, और हमने ऑर्डर हमारा दे दिया है। मैंने सीन को शूट करने में ये क्या कर, तुम लोग मैगी बनाओगे कैसे? जुलेबी के डब्बे से। फिश है, मच्छी है। अपना इंडियन दिमाग लगा के कुछ तो अलग ही किया। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के 7:20 हो रहे हैं और हम जा रहे हैं ज्यूरिख विडिकन स्टेशन के पास, और हम यहाँ से जा रहे हैं ज्यूरिख एचबी। फिर ज्यूरिख एचबी से हमारी जेनिवा की ट्रेन है, 3 घंटे का रास्ता है फिर जेनिवा, और जेनिवा में हम एक दिन रुकेंगे। जेनिवा भी स्विट्जरलैंड में ही आता है। गाइज यहाँ पे मॉर्निंग कितना प्यारा हो रहा है, सबके हाथ में दो दो बैग। मुस्कान जी अपना बैग छोड़ के क्या मालूम यहाँ पे क्यों आ रही है। ये दो मेरा बैग, ये दो आंटी का बैग, वो दो सिमरन दी का बैग। बहुत ठंडी है, हम लोग रोज सुबह नहीं उठते थे ना, दोपहर को निकलते थे, आज पता चल रहा है। जल्दी जल्दी अपना सिग्नल खुला हुआ है, जल्दी आ जाओ, बस आ जाएगी। Get a hint of the perfume that I like. Wear it like a disguise. I come around with the perfect alibi. तो हम ज्यूरिख विडिकॉन स्टेशन पे आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं ज्यूरिख एचवी, सिर्फ एक स्टेशन की दूरी पर है। सर ने बोला था कि 7:30 निकलेंगे, लेकिन हम 7:30 स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। यस, मैं तो सब लोग बोले थे 6 उठेंगे, 8:30 की ट्रेन है ना, 6 उठेंगे। मैंने बोला जिसको 6 उठना है उठना, मैं 6:30 उठूंगी, आधे घंटे में रेडी हो जाऊंगी। बट हम लोग उठे कितने बजे? 6:50। हम ट्रेन में चढ़ गए, सारा सामान लेके। तो हमारा ज्यूरिख एचपी आ चुका है, हम उतर चुके हैं। इतना प्यारा मौसम और ये हमारी ट्रेन जा रही है। तो जब तक ट्रेन आएगी हमारे 20 हम कुछ खाने को ले लेते, सबको इतनी भूख लगी क्या ही बताओ। ओ मुस्कान जी ट्रेन आ गई क्या? हम लोगों ने अंगूर लेके आए, आप लोगों ने सामान रख दिया, आ जाओ। ट्रेन में बैठ चुके हैं और हर कंपार्टमेंट में लगेज रखने का एक अलग से सेक्शन है, तो ये कंपार्टमेंट का सिर्फ ये सेक्शन है जिससे हमारा ही सारा सामान भर गया है। नीचे भी आ सकते हैं इंडियन स्टाइल, सिमरन बोली इंडियन स्टाइल में हम सीट के नीचे भी रख सकते हैं, बट नहीं। 8:32 को ज्यूरिख से डिपार्ट करेगी और 11:31 को हम पहुंचेंगे जेनिवा। तो हमने खाना शुरू कर दिया है, यहाँ के ओरियो में कुछ खाओगे? मैं अपना फोन चार्ज करूं। और यहाँ के ओरियो में स्कैम करते हैं, यहाँ के ओरियो में क्रीम देखो। हम जेनिवा स्टेशन पहुँच गए हैं और यहाँ से हमें टैक्सी खुद लेके हमारे होटल पे जाना है। तो मैं ढूंढ रही हूँ कि हमें टैक्सी कहाँ मिलेगी, मैं पूछती हूँ। हमने टिकट ले ली है, 5 हमें मिली है 10 Swiss francs की, विच इज 1000 rupees, और हमारा 4 stops के बाद स्टेशन आ जाएगा। बस हम लेने वाले हैं 15 की ट्रैम, अलग अलग नंबर की ट्रैम आती है, बट जो 15 वाली है वो हमारे स्टॉप पे जाएगी। हमें जाना था टैक्सी से, पर टैक्सी मिलना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, बहुत। हमारा रूम नंबर है 305-306। यहाँ पर वॉशरूम है, लाइट चालू कर दी है मैंने, बहुत ही क्यूट सा वॉशरूम है। अरे लाइट को क्या हो गया, चालू हो रही थी वो धीरे धीरे, छोटा सा है, क्यूट है। एक किंग साइज बेड है, इसमें भी वार्डरोब, टीवी, और यहाँ पर 2 windows है, एक नॉर्मल विंडो और एक बालकनी वाला पूरा है। इधर मजा आएगा गाइस। तो हम नीचे उतर गए कुछ खाने के लिए, और 2 या 2:30 के आसपास रेस्टोरेंट यहाँ बंद हो जाते हैं, तो
तो हम लोग श्रीलंकन रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। इंडियन रेस्टोरेंट भी है बट वो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर है। श्रीलंकन है वो है 1.5 किलोमीटर जो इंडियन okay. है वो तो पता नहीं। तो हम चेक कर रहे हैं हम कौन से रेस्टोरेंट जाएंगे, देखते हैं कौन से चलेंगे। तो गाइस हम 800 मीटर दूर जा रहे हैं खाना खाने के लिए। मम्मी आप स्लो स्लो पहुंचो, मैं पहुंचते हूं। तो हम लोग 800 मीटर के इंडियन रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। रेस्टोरेंट का नाम है लिटिल इंडिया और वो सिर्फ 2 बजे तक चालू है। अभी यहाँ पर 1:37 हो रहा है। वॉकिंग जा रहे हैं, पता नहीं ट्रांसपोर्ट का यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। प्लीज ओला उबेर यहाँ भी आ जाओ। Got me living a brand new kind of life. At midnight, pouring my heart out like it's water. Tick tock, you know this night ain't. मिल गया। बस 50 meters बता रहा है और I think हमें मिल गया एकदम accurate location. लिटिल इंडिया में आ गए हैं और हमने ऑर्डर हमारा दे दिया है। तो जब ऑर्डर आएगा तब आपको बताऊंगी। और उन्होंने बोला ये लास्ट ऑर्डर है, इसके बाद नहीं ऑर्डर बोल रही ऑर्डर है, इसके बाद नहीं ऑर्डर होगा बिकॉज 2 बजे ये बंद हो जाता है। तो जो भी हमने एक साथ सब ऑर्डर दे दिया है और जब आएगा तब आपको बताती हूँ। और यहाँ पर हिंदी में हमने ऑर्डर दिया, उन्होंने भी हिंदी में बात की बिकॉज सब इंडियन है यहाँ पे। हमारा खाना आ गया है। ये है स्टीम राइस, ये है लैम्ब कढ़ाई, वो है मिक्स वेज और हमारी तंदूरी रोटी। Chasing a star up and down in the sky. I can't get enough of sweet. बहुत टेस्टी खाना, एकदम इंडियन वाली फील है। तो हमारा खाके हो गया है और हमारा बिल आया है 109 स्विस फ्रांस विच इज अराउंड, मम्मी दे दो कार्ड, 10,800 या 900 के आसपास। बट खाना बोली खाना बहुत ही टेस्टी था। और अभी आयान ने इन्फॉर्मेशन दी है कि अंदर बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस के पिक्चर्स लगे हुए हैं, राइट। तो उसका भी आपको टूर कराएंगे। उन्होंने बताया कि उनका एक गोल गप्पे और क्या चाट वगैरह का भी एक स्टॉल है यहाँ पे। तो हम वहाँ पे शाम को खाने जाएंगे। स्विट्जरलैंड में गोल गप्पे खा के देखेंगे कैसे लगते हैं। ये जो इंडियन यहाँ पे रेस्टोरेंट है उन्होंने कैसे खोला, वो दिल्ली में जब पढ़ते थे कॉलेज में तो यहाँ की लड़की वहाँ पे घूमने के लिए गई थी तो उस लड़की ने उनको पटा लिया, फिर उनकी शादी हो गई, फिर वो तो फिर यहाँ पे आ गए और उन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस चालू कर दिया। कितनी अच्छी लव स्टोरी है, मतलब लाइफ कहाँ से कहाँ कभी पता ही नहीं चलता किससे मिलके लाइफ कहाँ चली गई। तो गाइज यहाँ पे शाम हो चुकी है और ये लोग अभी तक सो रहे हैं खाना खाने के बाद। मुस्कान दी चलो वीडियो बना के आते हैं। दीदी तो हम उठ गए हैं और अब हम रेडी हो रहे हैं, थोड़ा सा कंटेंट शूट कर रहे हैं। और सिमरन इतनी लंबी लग रही है बिकॉज इतनी लंबी हील्स पहनी है। सिमरन ये ना ऐसे ही होगा, तुझे पता है क्या करना पड़ेगा, पहले एक तो और लेके यहाँ पे पहले बॉबपिन लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो करना पड़ेगा। ओके फटाफट हमारे पास है क्या बॉबी पिन? ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग ये रूम में आज ही आए, पूरा पसारा ही पसारा। ये रूम में नहीं लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग कहीं आउट मतलब कोई दूसरी कंट्री में आए, पता नहीं क्यों यहाँ पे आके अपना अपना सा लग रहा है। तो यहाँ हो रहा है एक रील शूट और ये लगती है सारी मेहनत को शूट करने में। ये क्या कर रही हो मम्मी? लाइट दे रही हूँ मैं। लाइट दे रही हो? खरीद कौन रहा है? खरीद कौन रहा है आप जो दे रही हो? नहीं खरीदने के लिए नहीं, मतलब मुस्कान के लिए लाइट दिखा रही हूँ। एक रील के पीछे इतनी मेहनत लगती है। अरे सॉरी मेमोरी फुल बाबा स्टार्ट क्या हुआ? नहीं चालू नहीं हुआ था। एक बात बताओ, मतलब कोई केटल नहीं कुछ भी नहीं, तुम लोग मैगी बनाओगे कैसे? ज्वेलरी के डब्बे से। कुछ भी गैस तो दूर की बात है, जो केटल जिसमें पानी गर्म होता है वो तक नहीं है। तो जब मैगी बन जाएगा गाइस हम आपको खिलाएंगे, ठीक है? ये पता है वो जो ज्वेलरी वाली उसका डब्बा है वो देख रही हूँ, नया डब्बा दे देंगे। अरे कुछ नहीं बोलेगी, बहुत अच्छी लड़की है वो। जाओ गाइस आगे प्रोसेस। हम लोग होटल से नीचे आए हैं, रिसेप्शन वाली लेडी ने मेरा तारीफ कर दिया, शी सेड आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग। तो आई मीन यहाँ पे इंडियन ड्रेस बहुत ही रेयर है। कहाँ गए गाँव वालों, कहाँ मर गए सब गाँव वाले? अच्छा सा जब लोकेशन आएगा ना, मतलब ये तब तो बहुत गाड़ियों वाला लोकेशन है बट कोई अच्छा सा लोकेशन आएगा ना तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा सा मैं एक वीडियो लेना चाहूंगी।
हम लोग के होटल के रिसेप्शन पे चॉकलेट्स थी और कोई नहीं ले रहा था ज़्यादा से मम्मी ले रही थी बार बार, तो मैंने बोला किसी ने चॉकलेट नहीं ली, तो मम्मी बोलती हर बार ही मैं ही लूँ, तो मम्मी ले लो ना, आप ही तो मम्मी हो और कौन लेगा। अच्छा मम्मी ले लूँ, वो सोचेगी यार मम्मी कितनी चॉकलेट खा रही है और मैं बच्चों को एक एक करके मार देती हूँ चॉकलेट खाने वाली। नहीं बिल्कुल नहीं खाती हूँ मैं। शांत है इधर, ऐसा वो गाना बिल्कुल मैच होगा, जग सुना सुना लागे छन्ने से जो, इट्स छन्ने से जो टूटे कोई सपना, नहीं सपना तो नहीं टूटा बट जग सुना सुना लागे लग रहा है। सो हाउ डू वी कम, वी आर ऑन द मेन रोड नियर पिज़्ज़ेरिया रेस्टोरेंट, पिज़्ज़ेरिया इफ यू रेस्टोरेंट भी बोल सकते हो। ओके टेक लेफ्ट 80 मीटर्स ऑन द राइट, ओके थैंक्स बाय। यहां से आई लेफ्ट वहां, चलो चलो मुस्कान दी, मुस्कान दी ने कॉल पे ऑर्डर भी ले लिया, दुकान चालू है 10:30 बजे तक चालू। आरुष खुश, गोलगप्पे खाएंगे हम लोग यहाँ। यस, तो हम लिटिल इंडिया स्ट्रीट किचन पहुंच गए हैं एंड वी हैव आलू टिक्की, समोसा, पाव भाजी भी है यहाँ। हम पहली बार सबसे महंगी पानी पूरी खाने वाले हैं, जो कि है 1200 रुपए की 6 पीस पानी पूरी। हम पानी पूरी ऑर्डर करेंगे और क्या ऑर्डर करना है सिमरन? पाव भाजी। पाव भाजी कितने के? 18। पाव भाजी 1800 की है, मतलब 1800 बोल रही, 50-60 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है करेंसी के रेट पे डिपेंडिंग। 1800 में तो ताज में बैठ के खाते थे हम आराम से, ताज में भी इतना महंगा नहीं मिलता, ताज में भी नहीं मिलता इतना महंगा। एक्चुअली मुंबई के 5-star ताज में भी इतना महंगा नहीं मिलता है। हमारे पानी पूरी में है 2 ग्लास तीखा पानी, 1 मीठा पानी और ये स्टफिंग्स है और ये पूरी। ओके मैं सबको बना बना के खिलाना चाहूंगी। स्विट्जरलैंड में हम खा रहे हैं पानी पूरी और ये है हमारा पाव भाजी। ट्राई तो करो ये लो। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरा एक फोटो ले लेगा भाई। पहले एक मैंने तो हमने यहाँ पे खाया है पानी पूरी और पाव भाजी। पाव भाजी का पाव बहुत मीठा था, बोल देती जल्दी सब पड़ बोलो बोलो सब लोग। पानी पूरी का एक्सपीरियंस बताओ। पानी पूरी का पानी मीठा था, बिल्कुल भी तीखा नहीं था, उसका मीठा पानी भी मीठा था, उसका तीखा पानी भी मीठा था। हाँ। और पाव भाजी का पाव मीठा था, ये लोग सब मीठा ही खाते सब हैं। करण जोर मतलब मीठा मीठा था। आप कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आप कुछ कहना चाहते हो? मुझे तो अच्छा लगा आंटी। आपको? आप तो खाए नहीं, अच्छा नहीं था ना, पेट में नहीं गया, मजा नहीं आया ना खाने में, टेस्ट नहीं आया ना। मतलब जैसा इंडिया में मिलता ऑफ कोर्स वैसा तो नहीं था बट ठीक था। हमें पानी पूरी टेस्ट करना था स्विट्जरलैंड में, तो हमने वो कर लिया। अब हम खाने जा रहे हैं मैकडॉनल्ड, लेकिन कल हम लोग ऐसा इंडिया में जो मिलता है वो नहीं खाएंगे हम कल, या तो थाई फूड खाएंगे। ओके ऐसा या तो इटालियन स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं, इटालियन ट्राई करेंगे जी। पेपरिका, आरुष बोल, सिमरन तुझे क्या है? नहीं मैं सिर्फ पेपर जैसा कुछ रहेगा। ये फिश है, मच्छी है वो, कैंसर, इट्स मच्छी, इट्स फिली टू फिश, मैक वेजी, स्पाइसी मैक वेजी। सबका बर्गर आ गया है और तो गाइस हम खा के मिलते हैं थोड़ी देर बाद, फोटो क्लिक करना ना भाई। प्राइस तो सेम इंडिया जैसा ही है। मैं और आंटी आधा आधा बर्गर खा रहे, पहले टेस्ट करेंगे फिर खाएंगे हम लोग। पनीर ही है। ओके तो अभी 12 बज रहे हैं और आज की लास्ट रील मैं बना रही हूँ यहाँ बालकनी पे 90s के मेरे फेवरेट सॉन्ग्स है 90s के, उन पे बना रही हूँ। और लाइट हम भूल गए, तो देखो हम लाइट किससे मार रहे हैं। अपना इंडियन दिमाग लगा के कुछ तो अलग ही किया है अयान और आरुष ने। अभी गर्म पानी में अयान बोल रहे हैं मसाला मिक्स करो, तो वो कर रहे हैं, फिर इसमें डालेंगे। नॉर्मल मैगी तो एकदम सॉफ्ट हो गई है, मजा आ रहा है, लेट्स सी। लेकिन मानना पड़ेगा अयान तुमको, बिना किसी गैस के इमेजिन। अभी क्या करूँ, इसमें डाल दूं? ओके ये देखो मिक्स कर देना बस। मसाला कम पड़ गया? नहीं नहीं कम नहीं पड़ेगा। ओके तो अगर आपको हमारा डे 4 का एकदम खुराफाती व्लॉग पसंद आया है तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और डे 5 का वेट कीजिए। बाय एंड वी विल हैव सम मैगी।